सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में प्रदेश भर में मनाई गई। इस दौरान राजधानी देहरादून से लेकर सभी जिलों में रन फॉर यूनिटी दौड़ के साथ ही अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अनेक रियासतों को भारत संघ में एकीकृत करने में अहम भूमिका निभाई। भारत की आज़ादी में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चमोली में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने अधिकारियों और कर्मचारियों को देश की एकता अखंडता की शपथ दिलाई। खेल विभाग और गोपेश्वर महाविद्यालय के खिलाड़ियों और खिलाड़ियों ने गोपेश्वर स्टेडियम से डिग्री कॉलेज तक एकता दौड़ भी लगाई। वहीं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो क्षेत्रीय कार्यालय नैनीताल द्वारा काठगोदाम के स्कूल में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, चित्रकला दौड़ और भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। वहीं अल्मोड़ा में भी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस पर रानीखेत में सेना के नरसिंह मैदान में छावनी परिषद की ओर से रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसमें सशस्त्र सीमा बल समेत विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों के साथ ही अन्य लोगों ने भी हिस्सा लिया। 500 से अधिक रियासतें थी, उनको एकजुट किया और आज जो हम भारत में खुली हवा में सांस ले रहे हैं और जो पूरे देश के अंदर जो हम एक भारत अखंड भारत का जो नक्शा देखते हैं उसमें हमारे जो सरदार पटेल हैं उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। यहाँ पर ये आयोजन किया गया है और हमारे छावनी परिषद के सभी यहाँ पर जो लोग पूरा छावनी परिषद इसमें काम कर रहा है और उसमें साथ ही जो है छावनी परिषद के साथ साथ जो हमारे तमाम स्कूल हैं, तमाम स्कूलों का सहभागिता हो रही है। रानीखेत की जनता के द्वारा इसमें सहभागिता की जा रही है। बीरपुर मिलिट्री स्टेशन देहरादून में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। इस दौरान लगभग 700 लोगों ने भागीदारी की। सैन्य कर्मियों ने रन फॉर यूनिटी में अपने परिवार के सदस्यों और बच्चों के साथ भाग लिया। वहीं राष्ट्रीय एकता दिवस पर पुलिस लाइन देहरादून में आयोजित परेड के दौरान पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने उत्तराखंड पुलिस में उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य करने के लिए राजीव रावत, शिविरपाल, SDRF को उत्कृष्ट सेवा पदक और राम सिंह बोरा उप निरीक्षक व तेजपाल सिंह राणा अपर उप निरीक्षक को अति उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। उधर पौड़ी जिले में भी राष्ट्रीय एकता दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला मुख्यालय में क्रॉस कंट्री दौड़ आयोजित की गई। पुलिस लाइन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे ने पुलिस कार्यालय में पुलिस फायर रेडियो और पुलिस मिनिस्ट्रियल कार्मिकों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। एक अच्छा मैसेज सभी कर्मचारियों को इस संदर्भ में दिया गया है कि जिस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो जीवनी थी, हमारे देश को इतना सुदृढ़ करने में उनका योगदान रहा, उनकी जो जीवनी है उससे प्रेरणा प्राप्त है।